इंचार्ज आपको आज एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर एक है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। उससे पहले हम छोटी छोटी चीजें सीख लेते हैं। क्या होता है कि हमें स्क्वायर करना होता है 10 का, यानी 10 का जब हम वर्ग करते हैं तो हमें, अब देखो 32 की गुणा 32 से करोगे वो तो बड़ा होगा, इसका एक छोटा तरीका है वो देखते हैं। हमने 10 का स्क्वायर करा तो 10 का स्क्वायर क्या आया, 100 आएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 आ गया। अब क्या करते हैं भाई, 20 का निकालते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास देखिए 20 की गुणा 20 से करनी है, यही होता है। अब क्या हुआ इसमें, हमारे पास ये कर लेते हैं कि जब हमारे पास एक जीरो का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, दो का स्क्वायर कितना होता है 4, और एक जीरो की डबल जीरो हो जाएगी। ऐसे ही तीन जीरो यानी 30 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9 और डबल जीरो। ऐसे ही 40 का करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और डबल जीरो। तो कहने का मतलब है हम जीरो वाले आसानी से कर सकते हैं, इसकी तो हम कैसे करेंगे, ये तो हमें 32 की गुणा 32 से ही करनी पड़ेगी या एक फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा। अब देखें क्या हम 32 को ये लिख सकते हैं कि 30, देखो वर्ग निकालना है ना, तो वर्ग निकालने के लिए पहली ट्रिक क्या होगी भाई, 32 का वर्ग करोगे यानी स्क्वायर लगाओगे उसके ऊपर। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 जमा में 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि a जमा b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर जमा में b स्क्वायर जमा में 2ab, यानी a हमारे पास ये है b हमारे पास ये है, तो a कितना हो गया भाई 30 और b कितना हो गया भाई 2, ठीक है, फॉर्मूले में रखें। यानी यहाँ देखो इसको ऐसे लिख के चलते हैं, 30 जमा 2 का होल स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर जमा में 2 का स्क्वायर, भाई a और b थे, जमा में 2ab, a कितना है हमारे पास 30 और b कितना है हमारे पास 2, ठीक है, आंसर देखें। अब हमें 30 का स्क्वायर निकालना है, अभी हमें 30 का स्क्वायर निकालना सीखा था, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और डबल जीरो जमा 2 का स्क्वायर हमें पता है 4 जमा इसकी 2 की 30 से गुणा करी 60 और 60 की 2 से गुणा करी 120, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा भाई, इन सबको जोड़ दें तो आंसर आएगा 1024। तो यानी 32 का स्क्वायर कितना आ गया 1024, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है 35 का वर्ग निकालना है, कर लो ये वाला 35 का वर्ग देखें, सेम एज इट इज ऐसा ही होगा, सेकंड पार्ट, ठीक है। 35 का वर्ग इसका मतलब भाई 35 का स्क्वायर करना पड़ेगा, पहली स्टेप ये होगी। अब हम 35 को क्या लिख सकते हैं, 30 जमा में 5 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं भाई 35 को थोड़ा ओनली स्क्वायर का स्क्वायर रखा है, ठीक है। अब हमारे पास a जमा b का होल स्क्वायर क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, a स्क्वायर जमा में b स्क्वायर जमा में 2ab, ठीक है, तो a कितना है यहाँ पे इसमें 30 और b कितना है, यानी आगे वाला a पीछे वाला b, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें लगाएं 30 जमा में 5 का होल स्क्वायर बराबर भाई 30 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर जमा 2ab, 2 a कितना है 30 और b कितना है 5, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा भाई 30 का स्क्वायर कितना होगा 3 दिया 9 और डबल 0 जमा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 जमा 30 × 60 और 60 × 300 गुणा कर लेना।
क्लियर। अब इसके जो अगले पार्ट है वो अगली वीडियो में करवाऊंगी। आशा रखती हूँ इजी लर्निंग में आपको समझ आया होगा। उम्मीद रखती हूँ कि आप सवाल जरूर करेंगे ताकि हम और अच्छे से समझा पाए। धन्यवाद।